मैं अभी पटना के डाकबंगला चौक पर हूँ और यहाँ पर फादर स्टेन स्वामी की मौत पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप जानते हैं कि फादर स्टेन स्वामी की मौत 5 जुलाई को हो गई है और उनको NIA ने गिरफ्तार कर लिया था भीमा कोरेगांव मामले पर 2 साल पहले, लेकिन वो अब तक के साबित नहीं कर पाई। और उनका जो इल्ज़ाम था वो था आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने का। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया था और वो बीमार हो गए थे। इस बीच उनकी जब तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उनको जेल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था और जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। बिहार के बगल में झारखंड में भी इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। हम यहाँ पर अनुपम जी हैं, उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में भी जो इस पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जी अनुपम जी, हमारी तरफ से, हमारे लोकतांत्रिक जन पहल की तरफ से और जितने भी सिटीजन्स फोरम हैं उनकी तरफ से, एक तो पहली बात है कि श्रद्धांजलि, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है इस वजह से उनकी उन्हें श्रद्धांजलि, और साथ में उसके साथ एक मैसेज और एक हमारे लिए, हमारी तरफ से, पूरे सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और जितने भी सामाजिक लोग एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से एक विरोध प्रदर्शन भी है। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, एक विरोध प्रदर्शन है कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में एक लोगों की लड़ाई, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक बुज़ुर्ग इंसान की और एक बुजुर्ग एक्टिविस्ट की एक संस्थागत तरीके से संस्था में मौत हो जाती है। उनको मार दिया जाता है, उनकी मौत नहीं होती है बल्कि मार दिया जाता है। और इसको लेकर के हमारा विरोध है, क्योंकि अब वो नहीं है। इसके पहले भी जब उन्होंने 2018 में उनको अरेस्ट किया गया था, उस समय में भी हम लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो लोगों के अधिकारों के और यहाँ संविधान से जो प्राप्त हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। उन जहाँ पे भी इस तरीके के एट्रोसिटीज़ हुई हैं वहाँ खड़े रहे हैं। और इनका फादर स्टेन स्वामी का जो बेस है वो झारखंड से शुरू होता है, झारखंड में ट्राइबल आदिवासी को लेकर के और उनके जल जंगल ज़मीन को लेकर के जितने भी सरकार के द्वारा दमनकारी नीति और दमनकारी तरीके अपनाए गए हैं, उनका वो हमेशा से मुखर विरोधी रहे हैं। और ट्राइबल और आदिवासी और तमाम मार्जिनल सेक्शन या फिर किसी भी तरीके से उनके साथ वो खड़े रहे हैं। तो हम लोग पूरे तरफ से सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम इस बात से सरकार को एक आगाह करना चाहते हैं कि नहीं, इस तरीके से मौत जो है एक 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 आम आदमी की आवाज़ की मौत होगी। इस तरीके से संस्थाएँ और सरकार जो हैं वो बेलगाम होती चली जाएंगी और जो लोकतंत्र है ये खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरीके की मौत का हम लोग विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको एक सरकार किसी खास नज़रिए से जो बंद कर रही है और उनको मार रही है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनको जल्द से जल्द वो तमाम सुविधाएँ हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका चेकअप करवाया जाए और जितने भी लोग हैं उनको तमाम तुरंत रिलीज़ किया जाए। ये हम लोगों की तरफ से एक डिमांड है। फादर स्टेन स्वामी की आयु 84 साल थी और उनका जो काम रहा है वो आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के उत्थान का रहा है। ऐसी बहुत सी आवाज़ें या लड़ाइयाँ हैं वो पूरे देश में चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरह से उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है? दबा रही है, कोशिश ही नहीं कर रही है। पिछले 7 साल से वो सिर्फ और सिर्फ दबा रही है। UAPA ला करके, पहले UAPA ला करके तो कांग्रेस के समय, उसके बाद तमाम NIA का प्रयोग करके, तमाम दूसरे हथकंडे, मतलब इस तरीके के काले कानून ला करके। और जो कोई भी आवाज़, अगर अपनी आवाज़, आप इंडिपेंडेंट भी अगर अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाते हैं या सरकार के फैसले के खिलाफ उठाते हैं, तो आपको खुद से खुद वो गिरफ्तार कर लेगी या फिर किसी तरीके से नज़रबंद करके वो आपको मारने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आवाज़, सवाल जो है वो नहीं चाहती हैं। आप जानते हैं, सब लोग पिछले 7 साल से और पिछले और कई सालों से हम लोगों ने यही प्रयास किया है, देखा है, और ये हम लोगों का पूरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी आवाज़ उठाया है उसे किसी न किसी स्तर पर दबा दिया गया है।
प्राइमरी से लेकर के पूरे संस्था तक के आवाज़ों को दबा दिया गया है। इवन कोर्ट को भी देख लीजिए, उनकी भी आवाज़ें जो हैं, आप कोर्ट के फैसले देते समय उनके शब्दों को देखिए, जजों के शब्दों को देखिए, उन्होंने कंडोलेंस किया, उन्हें फैसला देते हुए उनके कलम ज़रूर कांपे होंगे, उनका जो है उनके अंतरात्मा ज़रूर कही होगी कि हमने किसको मारा है, एक बुज़ुर्ग को मारा। एक बड़े अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि फादर स्टैन को बेल मिलना था लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि जुडिशरी भी इस तरह का उदाहरण दे रही है जो जो कि आम आदमी को परेशान करने वाला है? हाँ, अब एकदम आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सरकार जो है न्यायालय का और कोर्ट का इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि आम आदमी के लिए न्याय लेना, अब उस दरवाजे पे भी जाना मुश्किल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के साथ साथ मीडिया और जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं वो अपने आप को क्लीन साबित करेंगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना।